अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली स्क्रिक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल एंड दिस इज व्लॉग नंबर 36, यानी 3 और 6। नाउ हियर वी गो। अच्छा यार, धूप बहुत ज्यादा है और दोपहर के 1:15 इस वक्त बज रहे हैं और मैंने कहा चलो व्लॉग बना दूं। और व्लॉग का सीन क्या है तो बताते हैं फिर आगे। नीचे जाकर बहुत ज़्यादा धूप है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, तो नीचे जाकर आपको मैं सीन बताता हूँ कि व्लॉग का आज सीन। मिकी माउस विद मी एंड मी विद मिकी माउस। अच्छा, मिकी माउस से जो है मुलाकात हो गया है, तो आज आप लोगों को मैं बता दूँ कि व्लॉग का सीन क्या है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंदर मैं आ गया हूँ। ये मेरा रूम है और ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और ये है मच्छरदानी, मच्छरों से बचने के लिए इसको कहते हैं मच्छरदानी। वो पीछे आप लोग को टीवी नज़र आ रहा होगा, इस टीवी से याद आया है कि व्लॉग का सीन क्या है, तो फिर बताता हूँ नेक्स्ट शूट में। अच्छा, तो अभी मैं आया हूँ वॉशरूम, ये है वॉशरूम, वॉशरूम आ चुका हूँ और डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अंधेरा है। और मैंने आप लोग को व्लॉग का सीन भी नहीं बताया कि व्लॉग का सीन क्या है, तो वॉशरूम आया हूँ। अभी आप लोग कहोगे कि यार ये व्लॉग का सीन बताया तो ये है नहीं, पता नहीं वॉशरूम में ये क्या करने जा रहा है, कुछ और करने जा रहा है। खुला खैर करिए, पीछे आप लोग को बेसन नजर आ रहा होगा। मैं उजू करने आया हूँ, एक नेक काम करने आया हूँ, नमाज पढ़ने के लिए मैं उजू करने आया हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, व्लॉग का सीन मैं आप लोग को फिर बताता हूँ। उजू वगैरह तो खैर से हो गया है, लेकिन यू थिंकिंग अबाउट अली शम्स कैनी कि यार अली शम्स कैनी इस व्लॉग में नज़र नहीं आ रही। तो दरअसल ये बात यह है कि आज सैटरडे है और अली शम्स भाई का जो है छुट्टी होता है और इंटर्नशिप का, तो वो इस दिन और संडे वाले दिन जो है थोड़ा लंबी नींद करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो उनको मैंने वॉइस किया हुआ है कि ऐसे मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो अभी तक उन्होंने मेरा वॉइस देखा नहीं क्योंकि वो अब तक सो रहे हैं। तो जब उठ जाए मेरा वॉइस देके फिर उनका क्या रिप्लाई आता है, तो फिर मैं हम उनके घर जाकर उनके साथ मिलेंगे। लेकिन व्लॉग का सीन क्या है, आप लोग जो है इस वक्त जो है एक्साइटेड भी होंगे और सस्पेंस में भी होंगे कि यार व्लॉग का सीन क्या है, तो नेक्स्ट शूट में बताता हूँ। अच्छा, तो ये आप लोग को टीवी जो है दिखाई दे रहा होगा और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इस टीवी से आप लोग को पता चल चुका होगा कि व्लॉग का सीन क्या है। समझदार लोग समझ चुके होंगे कि व्लॉग का सीन क्या है, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि व्लॉग का सीन क्या है। व्लॉग का सीन ये है कि आज होने जा रहा है एशिया कप 2023 का बड़ा मुकाबला, मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला, ठाकरे का मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो इस पे मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना सकूं, इस पे व्लॉग तो बनता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि जो है ब्लॉगिंग जो है कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पर, लेकिन वो जो है वहाँ श्रीलंका में जो है मैच ग्राउंड में जो है मौजूद हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन हम तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि बस कुछ नहीं कहूँगा। तो मैच को हम इसी टीवी पे जो है एंजॉय करेंगे और अली शम्स भाई को मैंने मैसेज किया हुआ है, अगर वो कहें कि हाँ ठीक है तो फिर जाकर उनके घर जाकर दोनों साथ ही में इस मैच को एंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी करेंगे और आप लोग को एंटरटेन भी करेंगे, मैच के साथ आप लोग को एंटरटेन भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। दिल तो था कि वही पाला किले में जाकर लाइव जाकर वहाँ ब्लॉगिंग भी कर सकें और लाइव जो है मैच भी वहाँ देख सकें ग्राउंड ही में, लेकिन जा नहीं सकते। अच्छा, अभी देखते हैं कि अली शम्स भाई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर वो कहें कि हाँ वहाँ आ जाओ, दोनों साथ में मैच भी देखते हैं और ब्लॉगिंग भी करेंगे और व्यूअर्स को एंटरटेन भी करेंगे, क्योंकि ना देखने वाले और क्रिकेट के शौकीन जो नहीं भी होते वो भी इंडिया और पाकिस्तान मैच को काफ़ी शौक से देखते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सिर्फ 1 घंटा बाकी है कि क्या होगा। शाहीन का वो पहला ओवर, विराट कोहली का वो कवर ड्राइव, बाबर आजम का वो स्ट्रेट ड्राइव, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ एक्साइटेड। और मैं ये डर रहा हूँ कि कहीं मेरा ये एक्साइटमेंट जो है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार इंडिया से जो है हार चुका है, तो इस बार कोई ऐसा हो ना जाए। अल्लाह ना करे कि हम इस व्लॉग को हंसी खुशी के साथ ही एंड कर सकें, पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए
तो फिर काफी नाराजगी के साथ ऐसे करके ब्लॉग को एंड करेंगे, तो अल्लाह ना करे। तो देखते हैं कि क्या होता है, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट शूट। शुरू हो चुका है, शाहीन आए बॉल करने के लिए रोहित शर्मा के लिए, और ये वाइड डिलीवरी मेरे ख्याल में, और इंडिया पहली बैटिंग कर रहा है, 10 रन बना चुका है, 2 ओवर हो चुके हैं, और साथ साथ जो है हम गाना शाना भी जो है गा रहे हैं और मैच को भी कर रहे हैं एंजॉय। तो फिर मिलते हैं आगे। लो जी, मैच में हो गया है बारिश, हम पर तो बारिश होता नहीं है, गर्मी है। लो जी, यहाँ हो रहा है बरसात, पर अकेले कैंडी से आ गया है कोहाट में बरसात, वहां भी हो रहा है बरसात तो यहाँ भी हो रहा है बरसात। अब से कुछ ही देर पहले इंडिया 30 ओवरों में 149 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बरसात के साथ तो बनता है फिर एक कप चाय। तो शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगा, शाहीन ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया, विराट कोहली को आउट किया, फिर हारिस सरूफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 68 पे इंडिया के 4 विकेटें गिर गई। तो अचानक से वक्त हालात जज्बात बदल गए, और वहाँ भी 2 बार बारिश हुआ, यहाँ भी बारिश शुरू है, और वहाँ लग गई पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का, और ये पार्टनरशिप हुआ है लगभग 82 रन्स का। तो अब देखते हैं कि होता क्या है, मुझे तो हालात कुछ पाकिस्तान के ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बॉल सही से बल्ले पे आ नहीं रहा, और कहीं जो है हमारे बल्लेबाज उनके बॉलर के आगे जो है कहीं फंस ना जाए। तो फिर अलीशान भाई का आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अलीशान भाई अब तक नहीं आया, तो इंशाल्लाह बस अभी कुछ ही टाइम में हम उनसे मिलने वाले हैं, और फिर जाकर उधर ही जो है हम साथ में मैच को भी एंजॉय करेंगे, और साथ ही साथ शूटिंग भी करेंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे, फिर मिलते हैं उधर। सो बलाखिर जो है अली शम्स भाई के घर पे जो है हम पहुंच चुके हैं, और मैच का सूरत हाल कुछ ठीक है भी नहीं। और अली शम्स भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आपको पता भी है, बल्कि हाँ, सबको पता है, हाँ। लेकिन मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लें इस पे, तो अचानक से, और आप उस वक्त बिजी थे तो इसलिए मैं आपको ला नहीं सका। तो सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है यार, बस रेन भी है और ये इधर भी रेन हुए काफी जबरदस्त। हाँ, वो तो मैंने बनाया हुआ, मैंने दिया हुआ है वो, मैंने गंदा सर्दी हो रही है, मेरा तो कोई कंबल वगैरह निकाल है। खैर तो है, हाँ सर्दी आ गई है बस। इसको देखो यार, मैं लाइट भी नहीं है, और मैच कैसे देखेंगे? मैंने लैपटॉप पे को सिस्टम किया हुआ, इंशाल्लाह लैपटॉप पे मैच देखेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लॉक थ्रू लंबी हो जाएगी, पर एंटरटेनमेंट बहुत है इसके अंदर। आई डोंट नो किसी ने भाई ने क्या बनाए हुए, पर जब मैं देखूंगा तो फिर इंशाल्लाह अपलोड करके फिर मजा आएगा देखेंगे साथ में इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं, फिलहाल पाकिस्तान का बैटिंग शुरू नहीं हुआ है, टारगेट इतना नहीं है, लेकिन अगर सेंसिबिलिटी, अच्छा तो हम क्या कह रहे थे कि टारगेट इतना नहीं है, अगर सेंसिबिलिटी स्टार्ट पाकिस्तान लेता है तो इस टारगेट को चीज भी कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बारिश ने बीच में जो है खलल डाल दिया है, अब अगर ओवर्स कम हो जाए तो साथ में रन भी कम हो जाएगा, हार्दिक पांड्या ने आज कमाल किया, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों ने बड़ी पार्टनरशिप लगाई, आना के 68 पर के 4 आउट हुए थे। ज्यादा हम क्रिकेट की बातें नहीं करते, अगर पाकिस्तान हार जाए ना तो मैं पिंड नहीं हूँ, क्या मैं YouTube को छोड़ दूंगा। ओ, ना करें, ये क्या चैलेंज किया आप समझे, और आपका ये चैलेंज समझे। ओहो, अगर पाकिस्तान आज हारा, अगर जीत जाए, देख देख जीत जाए तो फिर तो नहीं होगा, तो फिर अगर हार जाए तो देखते हैं, फिर अगर जीए तो आप ट्वीट देंगे हमें, फिर इंशाल्लाह वो तो फिर मुझ पे है इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर मैच वाले टाइम। बड़े डिप्रेशन अंदाज में बैठे हुए हैं, और मैच हो गया है कैंसल ड्यू टू रेन, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है, और शीजी भाई ने जो व्लॉग बनाया था उस व्लॉग का भी क्या करेंगे शीजी भाई, बताए टकरा होगा इंशाल्लाह, बार बार हम लोग नहीं बना सकते, बस चीज एक बार अच्छा लगता है, बनाओ एक कंटेंट पे बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, लेकिन बार बार बनाना फिर उसका कोई मजा मतलब आता नहीं है। खैर बहरहाल मैच ड्रॉ हुआ, दोनों को एक पॉइंट मिला है, और फिर मिलते आगे। बेचारे डिप्रेशन में यार, उस बेचारे के साथ इतना वो हुए ना, इंसाफी सा। सरप्राइज हमारे साथ बैठे हैं जावेद मियादाद। जावेद मियादाद कैसे हैं? अरे हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल
अल्लाह का करम है। बिल्कुल वैसी आवाज निकाले आपने। देखिए हम मैच के लिए बैठे थे, हमने कहा कि मैच देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को कोई और मंजूर था। हमने कहा कि चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, लेकिन टाइम पास नहीं हुआ और मैच हो गया। अब ना कैसे आवाज आपकी बन जाएगी यार, क्या करें। क्या हाल चाल है बुजी, कैसे हैं? खैर खैर, खाना शाना आप एंजॉय कर दिए? मौसम भी जबरदस्त हुआ है, मौसम भी अच्छा है और लाइट्स नहीं है। लाइट्स नहीं है तो आम है, ये है कि प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बस चले। मैं भी इसी इंतजाम का मैं मैच देखेंगे, मैच देखेंगे, कुछ टाइम पास हो जाएगा उसके साथ, लेकिन वो हुआ कि हालात खराब हो गए। चले फिर पॉइंट्स तो मिले दोनों को, एक एक बस। बस तो क्या पता पाकिस्तान हार जाता, ये कुछ 10 तारीख को फिर कह रहे थे, तो शिराज कह रहे थे 10 तारीख को फिर कह रहे यार काना कर रहे। जिस तरह का मैच तो खैर बस रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट, 1-1 पॉइंट। एंड अच्छा लगा कि ब्लॉग तो बना और शुक्र है कि आपने उजू किए। उजू कह रहा था, नहीं उजू उजू कह रहा था ये। मैंने कहा यार काश उस टाइम मैं होता तो मैं वजू कहता हूं। इंसान एक बार गलत हो जाता है, मशरूम में वो बनाते हैं मॉक्स यार, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा व्यूअर्स कोई गलत ना सोचे यार, ये मशरूम में क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा था, उजू वजू नहीं उजू। मैंने इनकी वीडियो भी देखी, साथ में एडिट कर रहे हैं कि आज ही अपलोड हो जाए, कोशिश कर रहे हैं कि आज हो जाएगा, हो जाएगा। और खैर बस मैच तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉग बना वो मैंने भी एंजॉय किया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। खाना भी जो है हम खा रहे हैं, बारिश भी हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है और वहाँ भी बारिश हो रही है, हो रही है स्टिल बारिश, और मैच का रिजल्ट नहीं आया। खैर बहरहाल जो भी हुआ, शायद अल्लाह हमारी टीम पे पर्दा डाले। अगर पाकिस्तान हार होता ना, अगर पाकिस्तान हारा होता तो शीरी भाई ऐसे नहीं होते। अच्छा वो ऐसे हम में बैठे होते हैं ना, एक्सट्रीम। अच्छा निशान भाई, मैंने कहा नहीं था कि पाकिस्तान मैच हार जाए तो मैं जो है YouTube पे फिर नहीं होगा, YouTube आपको मुबारक हो। मैंने कहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पे पर्दा डाला। क्या बात, बाद में मैंने सोचा, बाद में क्या शिराज तुमने बात तो किया, शिराज तुमने बात तो किया, अगर पाकिस्तान हार जाए वाकई में तुझे YouTube पर छोड़ना पड़ेगा, तो ये फिर क्या होगा। लेकिन बाद अल्लाह ने मुझ पे पर्दा डाला। अगर ले ले इजाजत, अगर आप लोग को हमारा ये ब्लॉग नंबर 36 अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। आप तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, एक अच्छी एंटरटेनमेंट ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह, कुछ नया लाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।